करीब 2 साल हो गए हैं हमारे देश को कोरोना की महामारी से लड़ते हुए। जहाँ केसेस कम होने लगे थे, वहाँ भी पिछले कुछ टाइम से केसेस दोबारा बढ़ने लग गए हैं, जिसके चलते सरकार को वीकेंड लॉकडाउन और ऑड इवन द रूल फिर से लागू करना पड़ा। नई दिल्ली में आज करीब 1.5 महीने बाद वीकेंड कर्फ्यू हटा है। ऑड इवन के वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी, जैसे एक दिन शॉप खुल रही थी, एक दिन नहीं खुल रही थी, तो कस्टमर भी बहुत टूट रहे थे। जो मेरे कस्टमर थे वो किसी और से सामान ले रहे थे, तो इस वजह से जब ऑड इवन खत्म हो गया, तो कल तक तो कस्टमर नहीं था, आज फिर भी सुबह से कस्टमर आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा लग रहा है ऑड इवन खुलने के वजह से। बाकी यही है कि कस्टमर अब धीरे धीरे निकल रहे हैं, उनको भी डर खत्म हो रहा है। जब 1.5 महीने बाद दोबारा से वीकेंड कर्फ्यू हटा है, तो आज लोगों ने अपनी दुकानें फिर से खोली है। जहाँ इतने समय से उनकी दुकानदारी सही से नहीं चल रही थी, ग्राहक नहीं आ रहे थे, आज उन्हें लग रहा है थोड़ी राहत है कि सुबह से ग्राहक आ रहे हैं। लोगों में कोरोना का कहर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। कोविड के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम्स आई है, कस्टमर मार्केट में आया ही नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम फेस की। बट अब जो कोविड खुला है, ये ऑड इवन खुला है, तो इससे हमारे पास कस्टमर आने लगा है। बट अभी उसी उस टाइप से नहीं आ रहा जैसे पहले आता था। अब थोड़ा थोड़ा जैसे रूटीन में आने लगा, बढ़ने लगा, आगे स्टार्ट हो सकता है, हमारी लाइन पटरी पर आ जाए। लेकिन जो हमारे साथ हो चुका है वो बहुत बेकार हुआ है कोविड के चक्कर। अच्छा लगा कर्फ्यू हटा, कम से कम दुकानदारों के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। कोरोना केसेस आज जहां लाखों तक पहुंच गए थे, आज कई टाइम के बाद सिर्फ 4,000 केसेस आए हैं करीब एक दिन में। आज वीकेंड कर्फ्यू हटने के बाद फिर से दुकानें खुली हैं, लोगों में एक उत्साह है, एक राहत देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन दर्शना के साथ तान्या चुग, नई दिल्ली।